सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब मैंने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया 2 लाख रुपए की लिमिट मुझे दी गई है। अब 2 लाख रुपए में से मैं 1.5 लाख रुपए अपने अकाउंट ट्रांसफर कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है विड्रॉ टू बैंक, सिंपल से इस पर क्लिक करने के बाद अपने बैंक अकाउंट डिटेल डाल करके हम ट्रांसफर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है भाई, 2 लाख रुपए की लिमिट में से 50,000 रुपए को ब्लॉक कर दिया गया है। यानी जब मैं 1.5 लाख रुपए का लोन ले लूंगा, टाइम से वापस करूंगा, फिर 50,000 रुपए मैं दोबारा से फिर ले सकता हूँ। इस तरीके से मैं 2 लाख रुपए का लोन यहाँ से ले पाऊंगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करने वाले, मैं आपको उस एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी को तो शेयर करूंगा, लेकिन हो सकता है कि इसी एप्लीकेशन से आपने इससे पहले लोन के लिए अप्लाई किया हो, सकता है आपका रिजेक्ट हो गया हो। लेकिन यहां पर आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी गलती करते हो लोन को अप्लाई करते समय, तो हो सकता है एक छोटी सी गलती चक्कर में आपका लोन रिजेक्ट हो जाए। लेकिन यहां पर मैं आपके सामने यहां पर सारी चीजों को फिलअप करके दिखाऊंगा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपका यहां पर लोन भी ना रिजेक्ट हो और आपके सिविल में कोई भी इस तरीके की फालतू इंक्वायरी भी ना लगे। तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, वैसे प्ले स्टोर बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करूं उसका नाम है MovieQuick। और इस एप्लीकेशन का रेटिंग के बारे में बात करें तो 4.4 की रेटिंग है। और यहाँ पे डाउनलोड के बारे में बात करें तो 10 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। अगर मैं इनके अबाउट वाले सेक्शन में जाता हूं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जो हमें यहाँ पे लोन का अमाउंट दिया जा सकता है, लोन का अमाउंट तो आपको यहाँ पे देखेंगे अच्छा खासा, यानी कि 20 लाख रुपए तक आप यहाँ पे लोन को ले पाएंगे। हालांकि इतना अमाउंट तो किसी को मिलता नहीं है, 1-2 लाख रुपए मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में, तो 9% से लेकर 35% तक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। वही अगर मैं तीनों टाइम के बारे में बात करूं तो 3 से लेकर 24 महीने तक आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करूं 2 से लेकर 4% का प्रोसेसिंग फीस लगता है। हालांकि यहां पे ज्यादा बात करने से कोई फायदा है ही नहीं, जब हम यहां पे लाइव खुद अप्लाई करने वाले हैं वहां पे हमें सारी चीजें अपने हिसाब से देखने को मिल जाएंगी भाई क्या एक्चुअल में लिया जा रहा है। तो चलिए इस एप्लीकेशन से लोन को अप्लाई करके देख लेते हैं। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे इस पेज पे आ जाएंगे। सैंपल्स आने बाद यहां पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सिंपल सा प्रोसेड पे क्लिक कर देंगे। यहां पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, उसको सिंपल सा आपको यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां पे आपको अलाउ कर देना है। यहां पर अपना बैंक को आप अभी शायद सेटअप कर सकते हो या फिर चाहे आप इसको स्किप भी कर सकते हो, होम पेज पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके जस्ट बाद इसमें अगर हम होम पेज पे आ जाते हैं डायरेक्टली, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक ऑप्शन बीच वाला जो सेंटर में देखेंगे उसका नाम है लोन्स। ठीक है, लोन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन आपको अगर लोन ही लेना तो सिंपल आप यहाँ पे लोन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको बताया जाता है भाई इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। नीचे आपको एक टर्म कंडीशन का बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी को अपलोड करना है। अगर आपकी फोटो ब्लर आती है तो आपको दोबारा रीटेक करके दोबारा से फोटो लेनी है। और ये चीजें कई बार हो चुकी है लेकिन शायद आपको पता भी नहीं चल पाए, इसलिए अपनी फोटो को बिल्कुल सही और बिल्कुल साफ एकदम क्लियर आनी चाहिए, उसी को अपलोड करने की जरूरत है आपको। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे पूछा जाता है कि भाई आप एम्प्लॉयमेंट टाइप में करते क्या हो, यानी कि आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयर हो। सैलरी मतलब अगर आप जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको कोई छोटी मोटी दुकान भी है, कोई छोटा मोटा बिजनेस भी है, तो भी आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयर ही सेलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पर दिक्कत आएगी उनके लिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं घर पर बैठे फ्रीलांसर कोई काम कर रहा हूँ या ऑनलाइन कोई काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर डालूंगा, तो आप यहाँ पर अपना सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चीज़ों को फिलअप कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको सेलेक्ट प्रोफेशन टाइप्स है, इस पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे फादर का नेम एंटर कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डाल लिया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे इंटर मंथली इनकम, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इनकम बारे में बता दिया जाता है कि भाई कौन सी इनकम के स्लैब में आप आते हो। तो मेरा मानना यह है कि ना कम से कम मिनिमम से मिनिमम आप 15 से लेकर 25,000 रुपये बीच वाला है, मतलब सेकंड वाले को चॉइस करिएगा, नहीं तो कोशिश करिएगा 25 से 50,000 रुपये वाला। मान लीजिए होता है 2-4,000 रुपये आपकी सैलरी कम हो तो भी इसको प्लस रखिएगा, उससे क्या होगा आपकी जो लिमिट है वो ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक लिमिट दिखा दी गई, जैसे हमारे केस में लिमिट देखेंगे 2 लाख रुपए की दिखाई गई है। हालांकि ये सिर्फ एक लिमिट है, लेकिन जो फाइनल अमाउंट अप्रूव होगा आपके अकाउंट जो ट्रांसफर किया जा सकता है उसको आपको आगे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको क्रेडिट स्कोर दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम है, 650 है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया भाई इंस्टेंट ट्रांसफर टू बैंक, यानी कि आप इसको इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि 2.75% पर मंथ है। इस बात का आपको ध्यान रखना, आगे कितना महंगा पड़े वही बताऊंगा मैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई अगर आपको समझ में आया कि भाई ठीक लगता है मेरे को, और उसको देखना यह है कि भाई कितना महंगा पड़ता है, वो चीज़ आपको आगे पता चलेगी। उसके लिए नीचे आना है, आपको टर्म कंडीशन बॉक्स मिलेगा, सिंपल से उस पर क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है, जिस बैंक अकाउंट आप इस पैसे को लेना चाहते हो, और हर महीने के EMI को आप वहाँ पर डेबिट करवाना चाहते हो। यहाँ पर आप इस बात जरूर ध्यान रखिएगा जो भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पर देने वाले वो एक्टिव होना चाहिए और वो भी आपके नाम से होना चाहिए। बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के 2 तरीके हैं, पहला आपका UPI, दूसरा आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल को डालते समय कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका रहेगा आपका यहाँ पे
यूपीआई सैंपल्स हम पहले वाले वेरीफाई विद यूपीआई पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे आपके यहाँ पे फोन पे गूगल पे पेटीएम बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप जिसके माध्यम से चाहे उसके माध्यम से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके अकाउंट से एक रुपये क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे हमारा जो अकाउंट था वो वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ई मैंडेट भी कंप्लीट करना है। ई मैंडेट का मतलब ये हो गया कि भाई आप इस बैंक अकाउंट में अपने पैसे को तो रिसीव कर सकते हो, लेकिन हर महीने की जो भी लोन की ईएमआई बनेगी वो आपके अकाउंट से डेबिट होगी, उसके लिए आपको परमिशन देने की जरूरत है। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो आपका एप्लीकेशन उसका स्टेटस दिखा दिया जाए। जैसे हमारे केस में देखेंगे जो एप्लीकेशन है पर्सनल डिटेल वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे ऑफर जो हमें लोन का अमाउंट दिखाया है वो भी कंप्लीट हो चुका है। बैंक वेरिफिकेशन भी हो चुका है। लोन यहाँ पे एप्लीकेशन इन प्रोसेस में चला गया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि क्या लोन हमारा यहाँ पे अप्लाई हो चुका, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे 15-20 मिनट तक वेट करना पड़ेगा ताकि आपको पता चल पाए भाई आपका फाइनल लोन का अमाउंट कितना अप्रूव किया है, उसी अमाउंट का आप अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर पाओगे। आप यहाँ पे चाहे कुछ देर वेट कर सकते हो या फिर आप इसको छोड़ सकते हो और दोबारा से 15-20 मिनट बाद आप जाकर के इस एप्लीकेशन में चेक करोगे, सिंपल से लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर आपको फाइनल अमाउंट बताया जाए भाई कितना अमाउंट आपके लिए अप्रूवल किया गया। हमारे केस में देखेंगे 2 लाख रुपये टोटल लिमिट दिखाई जा रही है, जिसमें से 1.5 लाख रुपये अभी हम अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। 50,000 रुपये अभी यहाँ पे होल्ड कर दिया गया। होल्ड यहाँ पे इसलिए कर दिया गया कि अगर आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपये का लोन जो लेते हो उसको टाइम से रीपेमेंट कर दोगे तो 50,000 रुपये का भी लोन यहाँ पे आप आसानी से ले सकते हो। इसके अलावा आप जितनी बार चाहोगे मतलब रीपेमेंट करते रहो और आपको यहाँ पे लिमिट मिलती रही, उस लिमिट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। अब जैसे कि मान लीजिए हमें इस अमाउंट को लेना ही अपने बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पर सैंपल्स हमें क्या करना है, विड्रो टू बैंक अकाउंट पे सैंपल्स हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमें बताया गया भाई इस लोन अमाउंट को आप 24 महीने के लिए ले सकते हो, 21 महीने ले सकते हो और यहाँ पे 18 महीने ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस बात जरूर ध्यान रखिएगा जितने समय तक के लिए आप ले रहे हो उसकी ईएमआई आपको देखने को मिल जाएगी और वो कितना महंगा पड़ेगा मुझे कैलकुलेशन करके दिखाने जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल लिखा हुआ साफ साफ जैसे जो इंटरेस्ट लिखा जा रहा है, देखें यहाँ पे अगर हम 24 महीने के लिए लेंगे तो करीब करीब यहाँ पे 67,000 यहाँ पे आपको महंगा पड़ेगा। अगर हम यही 21 महीने के लिए लेंगे तो 59 हो गया। और वही अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हमने 18 महीने के लिए तो करीब 52,000 रुपये हमें महंगा पड़ेगा। तो आपको ये चॉइस कर लेना भाई कि हम जो भी अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करें जितने समय के लिए सेलेक्ट करें उतने समय हम इसको टाइम से रीपेमेंट कर दे। अगर आप टाइम से रीपेमेंट नहीं कर सकते भाई इस लोन को बिल्कुल मत लेना, क्योंकि लोन महंगा पड़ेगा आपको। और इसके बाद जैसे अगर हमें और डिटेल में देखना हो तो सिंपल से यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट डिटेल पर क्लिक कर देंगे। अभी देखेंगे हमारा जो लोन का अमाउंट है वो 1,50,000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस 8,835 रुपये है, प्री ईएमआई हमसे जो ली जा रही है वो 1,375 रुपये ली जा रही है, हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा वो 1,39,790 रुपये आएगा, जो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 2.7% का रहेगा, ट्यूनर टाइम हमने यहाँ पे 24 महीने के लिए सेलेक्ट कर रखा और ईएमआई हर महीने हमारी यहाँ पे 8,620 रुपये आई है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। अगर आपको सब कुछ सही लगता है सिंपल से यहाँ पे गोटेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे गोटेट पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद देखेंगे कि जो भी आपने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। हालांकि अगर आप इस पैसों को लेने के लिए आपके पास एक नहीं बल्कि 2 तरीके, एक तो मैंने आपको बता दिया कि बैंक अकाउंट में भी आप ले सकते हो, दूसरा सबसे आसान तरीका है कि क्यूआर कोड पे स्कैन करके भी आप इस पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो। तो इन दोनों ही तरीके से आप इस लोन को ले पाओगे। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि मूवी क्यू की मदद से आप किस तरीके से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर आप कहीं से भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, अगर आपका सिविल ठीक ठाक है तो लोन आपको थोड़ा आसानी से मिल सकता है, लेकिन अगर आपका सिविल ठीक ठाक नहीं, अगर आप चाहते हो आपके पास कोई इनकम प्रूफ भी नहीं है तो लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। इस केस में अगर आपको कहीं से भी लोन मिलेगा तो छोटा मोटा अमाउंट मिल सकता है, जैसे कि आप ट्रू बैलेंस ले सकते हो, जैसा कि आप ब्रांच एप्लीकेशन से ले सकते हो, आपका लोन का अमाउंट भले ही छोटा मिलेगा लेकिन आपको बिना इनकम प्रूफ का मिल जाएगा, आगे चलकर बड़ा लोन भी वहां से ले पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बताइए कमेंट करके भाई आपको लोन कितना मिला, कहां से मिला। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।